हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगदीश शोकंद है और मैं जेएमआई के इरादों से बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल स्ट्रीम से। और मेरा कॉलेज जो है कुरुक्षेत्र इंडस्ट्री के अंडर में आता है। और मेरा ही नहीं, हरियाणा के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कुरुक्षेत्र इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कुरुक्षेत्र इंडस्ट्री है जो सप्लाई बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। मेरे दोस्त की भी बहुत ज़्यादा सप्लाई आई है। जिस भी मेरे दोस्त की सप्लाई आती है तो मुझे बड़ा शौक लगता है और उनको भी बड़ा शौक लगता है जब उनका रिजल्ट आता है कि यार मेरी दो सप्ली आ गई, किसी की तीन आ गई, किसी की चार आ गई और किसी का सेट आ जाता है। ये बहुत ही बुरी चीज है। तो उस चीज को दूर करने के लिए मैं आप वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी सप्लीज आई है, ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी है जिनकी परसेंटेज कम आती है, ठीक है। तो प्लीज जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, ठीक है, उन पर ध्यान दीजिएगा। आज लोगों के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, वो है टाइम। और आपके टाइम को ध्यान में रखकर ही मैंने कुछ पॉइंट्स जो है पहले ही नोट कर लिए थे। अभी मैं इन पॉइंट्स को सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोगों ने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ध्यान से, सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट जो है वो है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, राइट, नीट एंड क्लीन। बात यह है, जैसे कोई भी है एग्जामिनर है, वो पेपर चेक करता है, ठीक है। तो क्या देखता है, वो ये देखता है कि आपने कितना अच्छा लिखा है। आप हमेशा क्या कीजिएगा, आप हमेशा पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको सबसे अच्छे ढंग से आता हो, बिल्कुल, क्योंकि आपका इससे जो है इंप्रेशन बढ़िया जाएगा। आप पहले वही क्वेश्चन कर देते हैं जो गलत है, वो तो उसके जो है मार्क्स आपको बिल्कुल बेकार मिलेंगे और आपका बैड इंप्रेशन जाएगा। इसलिए आप जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आता होगा, ठीक है। और आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट और क्लीन लिखेंगे। मेरा अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट है डोंट यूज 1 2 3 4 एंड यूज ABC। पता क्या होता है, हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं जिनमें हमने पॉइंट्स बनाने होते हैं, तो हम उन क्वेश्चन में पता क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आ गया मान ले, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, 10 से 12 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ही लेंथी हो गया, ठीक। और वो बंदा देखते ही पता लगा लेगा, जगह अगर आप 1 2 3 4 लिखते हैं तो वो देखते ही पता लगा लेगा कि आपने कितने पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। अगर आपने इस चीज से छुटकारा पाना है तो आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे ABCDEF, ठीक है। तो ABCD किसी को गिनती तो आती नहीं कि F कितने नंबर पे आता है, G कितने नंबर पे आता है। तो पता क्या है, इस चीज से उस बंदे को ये पता नहीं चलेगा कि आपने कितने पॉइंट लिखे हैं, और आपको हो सकता है आप 5-6 पॉइंट ही लिखें और आपको 6-7 नंबर मिल जाए, ठीक है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है डोंट कट द रॉन्ग पोर्शन लाइक दिस। पता क्या होता है, हम कई बार जो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम इसके ऊपर ऐसे 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 लाइन लगाते चले जाते हैं, और ये बहुत ही गलत चीज है। हमने अगर किसी चीज को कटना है तो सिर्फ एक लाइन के द्वारा हमने काटना है। आपको ये पॉइंट सुनने आया होगा कि मैं कहना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ एक रॉन्ग पोर्शन काटना है तो सिर्फ एक लाइन के द्वारा काटें, उसको बार बार लाइन से मत काटें, ये बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है आपका इससे भी। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेक लेबल डायग्राम एंड राइट टाइटल ऑफ डायग्राम्स। कई क्वेश्चन होते हैं और हमारी इंजीनियरिंग में तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिनके हमने डायग्राम बनाने होते हैं। तो पता क्या होता है, हम डायग्राम तो बना देते हैं, सभी बना देते हैं डायग्राम, लेकिन हमको लेबल नहीं करते, उनकी लेबलिंग प्रॉपर ढंग से नहीं करते। मान लीजिए हमने इंजन का डायग्राम बना दिया, तो हमने ये दिखाना पड़ेगा कि उसकी क्रैंकशाफ्ट कहाँ है, उसका पिस्टन कहाँ है, उसकी कनेक्टिंग रोड कहाँ है, हर एक पार्ट को हमने क्या करना है, हर एक पार्ट की हमने लेबलिंग करनी है हर एक पार्ट की। और फिर हमने वो डायग्राम बना दिया। अब ये बताना कि हमने डायग्राम है किस चीज का, उसके नीचे लिखिए कि ये इंटरनल कंबशन इंजन का डायग्राम है या ये मोटर का डायग्राम है। हर एक डायग्राम को हमने क्या करना है, हर एक डायग्राम का हमने टाइटल देना है और उसको अच्छे ढंग से लेबल करना है। अगला पॉइंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग के एग्जाम में, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखा और सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही गलत बात है और इससे आपके जो है मार्क्स कटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने मार्क्स को कटने से बचाना है न्यूमेरिकल्स में, चाहे आपको न्यूमेरिकल आता भी ना हो, अगर उसमें भी आपको मार्क्स गेट करने हैं तो आप क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल को इस ढंग से करना है। जैसे आपने पहले लिखना है गिवन, जो न्यूमेरिकल्स में दिया है उसे लिखिएगा। उसके बाद हमने लिखना है हेडिंग फाइंड आउट, जो हमने फाइंड करना है उसके आगे से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, भाई ये हमने फाइंड आउट करना है। फिर जो हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, उसके बाद हमने सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ऐसे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यूज ऑफ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग पर्पज। हमने क्या करना है,
हेडिंग के लिए हमेशा ब्लैक पेन का यूज करना है। हमने सिर्फ एक ही कलर का पेन नहीं लेके जाना कि हमें जैसे हम ब्लू पेन से कर रहे हैं पूरा पेपर ही ब्लू पेन से कर रहे हैं, ऐसे आपके नंबर मतलब ये तो है नहीं कि कट जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इंप्रेशन जमाना है अपना तो आप ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। उसके बाद हमारा है टाइम मैनेजमेंट, ये पॉइंट बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद इस पॉइंट का बेनिफिट आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है, तो जैसे हमारा एग्जाम क्या होता है वो 3 हार्स का होता है, 3 हार्स में हुए 180 मिनट और हमने करने हैं 5 क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन के हिस्से में जो है 36 मिनट आ रही हैं आपकी। तो एक क्वेश्चन जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है 10 और 10, मतलब क्या 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन के लिए 18 मिनट्स हमारे हिस्से में आ रहे हैं 18 मिनट्स। तो आपने क्या करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन 18 to 20 मिनट में आपने कंप्लीट करना है। उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट्स लेने हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं लेना। शीट मैनेजमेंट, तो हमें एक शीट मिलती है उसमें 36 पेजेस होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 7 पेज आते हैं, मतलब हमने क्वेश्चन 5 करने हैं, 5 × 7 वो हो गया 35, और ठीक है तो हमारे 7 से ज़्यादा पेज आए पर क्वेश्चन के लिए, और हमारा एक क्वेश्चन फिर 10 मार्क्स के और 10 मार्क्स के 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमने 3 से 4 पेज हमने यूज करने हैं, 3 से 4 पेज मतलब पर पार्ट के लिए हमने 3 से 4 पेज यूज करने हैं। यह हमारा पॉइंट था शीट मैनेजमेंट के बारे में कि हमने शीट कैसे मैनेज करनी है, एक क्वेश्चन 3 से 4 पेजेस पे करना है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अटेम्प्टेशन। कई दोस्त मेरे क्या करते हैं, जैसे उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता वो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो बहुत ही बड़ी गलत बात है यार। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बिल्कुल भी ना आती हो, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा उससे रिलेट मेरे दोस्तों कुछ ना कुछ लिख के जरूर आइए, आप कुछ भी लिख के आइए चाहिए। जैसे हमारा क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, अब 20 मार्क्स में से हम उसके कुछ लिख के आएंगे तो हमें 3-4 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स कुछ तो मिलेंगे ना, उससे रिलेट हम हमेशा लिखने की कोशिश कीजिए। आप कभी भी किसी क्वेश्चन को ऐसे खाली मत छोड़िए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है डोंट राइट अनवांटेड वर्ड्स। जैसे कई बच्चे होते हैं, ये हमारे डायरेक्टर सर की भी शिकायत आई है और सभी कॉलेजेस में ऐसा होता है, कई बच्चे क्या करते हैं अनवांटेड वर्ड्स लिख देते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद, वो लिखते हैं प्लीज सर मुझे पास कर देना। ये बहुत ही गलत बात है, इस चीज से भी आपका एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। आप किसी से भीख मांग रहे हैं सर मुझे पास कर देना, ऐसी ये ऐसी भीख नहीं है जो आपको एकदम से दे देगा, आपको पास नहीं करेगा वैसे। इस चीज से क्या है, आपके मार्क्स जितने आ रहे होंगे वो कट भी सकते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट क्या है, इफ यू यूज चीट एक्सप्लेन प्रॉपरली। कई बच्चे क्या होते हैं करते हैं चीट है, मैं मानता हूँ कि चीटिंग करनी बहुत गलत बात है, लेकिन फिर मेरे दोस्त करते हैं बहुत सारे, ठीक है, और आजकल तो चीटिंग बहुत चलती है। अगर आप चीट करते हैं चीटिंग करते हैं और आपके साथ एक छोटी सी चीट लेके जाते हैं, तो हम क्या करते हैं चीटिंग में हम क्या करते हैं, जो चीट लेके जाते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हम उसमें पॉइंट लिख देते हैं और उसको मतलब हम उसको क्या करते हैं सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट लिखते हैं उसके ऊपर, ठीक है, और उन्हीं पॉइंट को हम चीट में से देख के हम एग्जाम पेपर पे उतार देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप चीट लेके जाते हो आपकी हेल्प के लिए, आप उसे पॉइंट लो और उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, ये बहुत ही मतलब मार्क्स गेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप चीट लेके जाओ, हेल्प लो, चीटिंग की कोई बड़ी बात नहीं है, हर बंदा करता है, वैसे है बुरी बात लेकिन हर कोई करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चीट का यूज हमेशा प्रॉपर ढंग से करना है, ठीक है, तो आप उस चीटिंग से मतलब 2-3 पॉइंट उठाइए और उनको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। से 10 पॉइंट जो आपने एग्जाम्स के टाइम के में यूज करने हैं, जैसे जैसे कि आप ये अभी आपने पॉइंट देख लिए हैं, ठीक है, ये पॉइंट जो है आपकी परसेंटेज की इंक्रीमेंट में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद आपकी सर्विस भी बहुत कम आने के चांस है, अगर आप इन पॉइंट्स का बिल्कुल प्रॉपर ढंग से यूज करेंगे, इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद मेरे दोस्तों दिवाली भी आ रही है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, बड़ी खुशी से मनाइएगा दिवाली, और एट द लास्ट थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।